हजारीबाग के बरही में रुपेश पांडे को सरस्वती पूजा विसर्जन के दौरान बेरहमी से हत्या के विरोध में गुमला जिला बंद का आह्वान किया गया, जिसमें घाघरा थाना क्षेत्र को भी बजरंग दल के कार्यकर्ताओं द्वारा बंद कराया गया। बंद को लेकर बजरंग दल, विश्व हिंदू परिषद, भाजपा से जुड़े लोग, सभी व्यावसायिक प्रतिष्ठान, यात्री बस को बंद करते देखा गया। बंद के समर्थन में आंदोलनकारी घाघरा चांदनी चौक एवं घाघरा थाना क्षेत्र के तमाम चौक चौराहे में घूम घूम कर बजरंग दल के कार्यकर्ता के द्वारा प्रतिष्ठाने को बंद करवाया। वहीं घाघरा बजरंग दल के महामंत्री अजय कुमार गुप्ता ने कहा कि रुपेश पांडे के हत्यारे को अभिलंब गिरफ्तार करने की मांग कर रहे हैं और रुपेश पांडे की हत्या मामले की जाँच CBI से कराने की मांग की है। वहीं महामंत्री का कहना है कि जब तक हत्या का वर्तमान सरकार निष्पक्ष जांच नहीं करवाएगी तो आगे भी आंदोलन जारी रहेगा एवं झारखंड सरकार रुपेश पांडे के हत्यारे को बचाने की काम कर रही है। जैसा कि कल हमारे गुमला जिला के जिला पदाधिकारियों के द्वारा जानकारी दी गई कि कल तो संपूर्ण गुमला जिला बजरंग दल के तत्वावधान में बंद किया जाएगा और हमारे बजरंग दल के दो कार्यकर्ता, जैसे सैकड़ों कार्यकर्ता हैं, जिसमें रुपेश पांडे और हर्षा जी का हत्या किया गया, उसके विरोध में हम सभी घाघरा प्रखंड के बजरंग दल के कार्यकर्ता एकजुट होकर के संपूर्ण घाघरा को बंद आहूत किए, जिसमें तमाम यहां के लोग बजरंग दल का और हिंदूवादी जितने भी संगठन हैं उनका सहयोग किए, उनका बहुत बहुत आभार और धन्यवाद। जय श्री राम। हिंदू एकता जिंदाबाद, जिंदाबाद, जिंदाबाद। हिंदू एकता जिंदाबाद, जिंदाबाद, जिंदाबाद। अपने राज्य से जुड़ी हर ताजा खबरों के लिए आप हमें सब्सक्राइब करें, साथ ही बेल आइकन बटन दबाना ना भूलें।